जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहती है आज आपकी किस्मत, मैं आचार्य राजेंद्र बेदी शास्त्री झांसी। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य कर सकते हो, क्रय विक्रय। और आपकी जो देव गुरु बृहस्पति हैं वह मेष के होने के कारण जन्मेश हैं, प्रथम हैं, तो आपके लिए कोई भी कार्य श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति आप आज स्वास्थ्य को लेकर के शारीरिक या मानसिक कोई पीड़ा हो सकती है, इसलिए आपको चाहिए मोती रत्न धारण करना, भगवान शिव की आराधना करना अति श्रेष्ठ कारक रहेगी। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति आपको आज भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले आज आप सचेत सतर्क रहें स्वास्थ्य एवं गाड़ी वाहन इत्यादि से। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति आपको घर में कलह का माहौल की स्थिति किसी बात को लेकर अनायास या अचानक बन सकती है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति आपको भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति धर्म के प्रति विशेष लगाव रहेगा एवं कोई नया धर्म रूपी अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हो, करा सकते हो, अथवा इसकी कोई पूर्ण रूप से नींव भी रख सकते हो। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति शत्रु परास्त होंगे, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा आपको आज के दिन। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति आज आपका डूबा हुआ कर्ज या व्यापार पुनः प्रारंभ हो सकता है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति आपकी शनि साढ़े साथी की महादशा लास्ट की ओर है, इसलिए आप हनुमान जी की आराधना करने आने वाला आपका समय अति श्रेष्ठ रहेगा। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले आपको आज थोड़ा सचेत सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। श्री हनुमान जी की आराधना करना, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक रखना इत्यादि जैसे कार्य करने पर ही आपको आज कोई शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति आज आप बड़े रूप में कोई कार्य प्रारंभ कर सकते हैं या किसी बड़े जिम्मेदारी को भी पूर्ण रूप से निभा सकते हो। आपके हाथ से कोई मांगलिक या शुभ कार्य भी हो सकता है। इस प्रकार से आपकी स्थिति आज रहेगी। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, पुखराज नामक रत्न धारण करें अति श्रेष्ठ और शुभ फलदायी रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।